हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ये रंग बिरंगी पोशाक बनाना सिखाऊंगी। देखिए, होली के लिए मैंने इसको तैयार किया है और फ्रेंड्स, बहुत इजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोशाक बनाना सीखना है तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल रंग बिरंगी पोशाक बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने अलग अलग कलर की ये नेट ली है। देखिए, ऑरेंज कलर में है, येलो में है, वाइट, ब्लू, डार्क ग्रीन, पिंक, रेड और ये लाइट ग्रीन। इन सब कलर को मिलाकर मैं आज ये पोशाक बनाऊंगी। ये पोशाक मैं होली के पर्पस से बना रही हूँ। तो हमें सबको पता ही है कि होली रंगों का त्यौहार है, इसलिए मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की नेट ली है। इन नेट में से मैंने ये पीस कट कर लिए हैं। देखिए, सभी कलर की नेट में से ये पीस कट कर लिए हैं, जिनकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। अब हमें क्या करना है, इन सभी पीसों को आपस में अटैच कर लेना है। देखिए, जैसे ये मैंने रेड कलर लिया, रेड के साथ में ग्रीन कंट्रास्ट करते हुए सभी पीसों को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक एक पैर की सिलाई लगाकर सभी को आपस में अटैच कर लेंगे। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने इनको अटैच कर लिया है। देखिए, बहुत लंबी पट्टी तैयार हो गई है हमारे पास में। ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, जिधर ये सिलाई दिख रही है, और ये सीधी साइड है। देखिए, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इसी तरह से सभी जगह इस तरह से जोड़ लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए इसको उल्टी साइड को इस तरह से नीचे रखेंगे और ये सीधी साइड अपनी साइड रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, पूरी पट्टी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, अब क्या करना है, हमें एक एक पैर की सिलाई हमें पूरे में लगानी है। यहाँ नीचे पूरी पट्टी पर एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। देखिए कहाँ लगानी है, यहाँ यहाँ इस तरह से, यहाँ पर पूरी पट्टी पर एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमें ये पूरी अटैच कर लेनी है। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी पट्टी में सिलाई लगा कर इसको तैयार कर ली है। देखिए, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरीके से, पूरी पट्टी सीधी हो गई है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, हम इसमें बहुत गहरे गहरे प्लेट्स डालेंगे। देखिए, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, बहुत गहरे गहरे पास पास प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से प्लेट्स डालकर ये पूरी पट्टी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ का पोर्शन हमें अपने ठाकुर जी कमर के अकॉर्डिंग रोक लेना है।
जैसे कि मैं 4 नंबर के कान्हा जी की पोशाक बनाऊंगी तो उनकी कमर 5.5 के आसपास होती है, तो मैं ये पोर्शन 5.5 में ही तैयार कर लूँगी। और आप अपने कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी भी कमर होती है उतनी आप इतना पोर्शन तैयार कर लें कमर वाला। चलिए प्लेट्स डालकर इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए ये मैंने प्लेट्स डालकर तैयार कर लिया है और इसके ऊपर नेफा भी लगा दिया है। इस तरीके से ये घेर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर की चौली बनाएंगे। चौली बनाने के लिए मैं ये सीमर का कपड़ा लिया है। इसमें से मैं 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर लूँगी। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़ा कट कर लिया है। ये अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, और एक बार ऐसे फोल्ड करना है। अब यहाँ नीचे की साइड हम इसमें शेप देंगे। ये देखिए इस तरह की इसमें शेप आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके 3 साइड हमें सिलाई लगा लेनी है, इधर इधर और इधर। चलिए तो सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके 3 साइड सिलाई लगाकर मैंने इसको सीधा कर लिया है। ये कुछ इस तरीके की शेप आ गई है। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये साटन का रिबन लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए इस तरीके से इसमें लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। और यहाँ लगाने के बाद में जितना भी हमें बांधने के लिए चाहिए उतना हम इसमें छोड़ देंगे। दोनों साइड हमें लगा लेना है। चलिए तो लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये चोली मैंने तैयार कर ली है इस तरीके से। अब हम इसको अपने घेर में लगाएंगे। ये घेर जो हमने तैयार किया था, क्या करना है, इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ इसके सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब अपनी बॉडी को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए इस तरीके से हमें इसको अटैच करना है। देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे पूरी में तो ये अटैच हो जाएगी। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चोली इसमें अटैच कर दी है और पीछे मैंने चिट बटन लगाया है इसे बंद करने के लिए। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने ये फ्लावर लिए हैं। देखिए ये फॉर्म के फ्लावर हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। चलिए तो अब हम इसमें इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ये फ्लावर लगाकर डेकोरेट कर दिया है। देखिए ये रंग बिरंगी पोशाक बहुत सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सिखाने का तरीका और ये पोशाक दोनों ही बहुत पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोशाक पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।